हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, देश के किस राजनीतिक दल का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी BRS हो गया है? ऑप्शन है हमारे पास समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति अथवा बीजू जनता दल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राष्ट्र समिति। यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम अब बदल गया है और इसका नाम अब हो गया है भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के नाम से अब इसे जाना जाएगा। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव, जिसे आमतौर पर KCR के नाम से जानते हैं, 5 अक्टूबर 2022 को अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का नाम बदल दिया है और अब इसका नाम हो गया है भारत राष्ट्र समिति यानी BRS। तो अब तेलंगाना राष्ट्र समिति BRS यानी भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिसिलाई सौंदरराजन, जबकि CM चंद्रशेखर राव स्वयं हैं। यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति है जिसकी सरकार तेलंगाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। US ओपन 2022 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल यानी वीमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता? एलिस मर्टेस, शुआई झांगो, ईगा स्वियातेक या कैटरीना सीनियाकोवा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ईगा स्वियातेक। दोस्तों आपको डिटेल में बता दें कि ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है ने यह खिताब 10 सितंबर 2022 को ट्यूनिशिया की ओन्स जेबूर को हराकर जीता है और ईगा स्वियातेक पहली बार US ओपन चैंपियन बनी है। इससे पहले उन्होंने 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता है। इस तरह से उनके कैरियर का यह 3रा ग्रैंड स्लैम था, यानी अब तक उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम इस US ओपन चैंपियनशिप के साथ जीत लिया है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब US ओपन 2022 के विनर्स कौन कौन हैं, आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि US ओपन चैंपियनशिप हाल ही में संपन्न हुआ। इसमें मेंस सिंगल के विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कारेज जो कि स्पेन के हैं, वीमेन्स सिंगल के विजेता हैं ईगा स्वियातेक पोलैंड की हैं, जबकि मेंस डबल के विजेता हैं राजीव राम अमेरिका और जो सैलिबरी ये ब्रिटेन के हैं। वहीं वीमेन्स डबल की बात करें तो वीमेन्स डबल में चेक गणराज्य की ही कैटरीना सीनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा दोनों ने वीमेन्स डबल जीता है। वहीं मिक्स डबल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स और स्मार्स सैंडर्स ने यह US ओपन जीता है। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रैंड स्लैम कुल 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मेलबोर्न में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन लंदन में और US ओपन न्यूयॉर्क में। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन को ही ग्रैंड स्लैम के रूप में जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न को। खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने के लिए केंद्र सरकार कौन सी योजना बना रही है, यानी कौन सी योजना बनाई है? PM प्रणाम योजना, PM एग्री योजना, PM फार्म योजना अथवा PM पीजेंट योजना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, PM प्रणाम योजना। दोस्तों आपको बता दें कि PM प्रणाम योजना का फुल फॉर्म है, प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने PM प्रणाम योजना को लॉन्च किया है। योजना का उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना। वहीं चालू वित्त वर्ष 2022-23 में यह सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में इससे जुड़े मंत्री यानी मिनिस्टर की बात करें तो वर्तमान में एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न को।
भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में नई दिल्ली में कब करेगा? 9 से 10 सितंबर 2023, 9 से 10 अगस्त 2023, 9 से 10 जुलाई 2023 अथवा 9 से 10 जून 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9 से 10 सितंबर 2023। भारत G20 यानी समिट का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में करने जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन पहले और बाद में देश भर के लगभग 200 से अधिक G20 बैठकों का आयोजन करेगा। G20 की बैठकें दिसंबर 2022 से ही शुरू हो जाएंगी और G20 की एक बैठक जम्मू कश्मीर में भी होने की उम्मीद जताई गई है। भारत पहली बार 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2030 तक की G20 की अध्यक्षता भी करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न को। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया है? 5, 7, 9 अथवा 12। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 9। G20 शिखर सम्मेलन में 9 गेस्ट कंट्री शामिल होंगे। ये कंट्री हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। G20 के सदस्यों के अलावा इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समिट में अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों की सूची में बांग्लादेश एकमात्र दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश होगा। वहीं G20 के सदस्य देशों की बात करें तो भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि G20 क्या है। आपको बता दें कि G20 19 देशों और एक यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। इसका कोई भी स्थायी सचिवालय या कार्यालय मुख्यालय नहीं होता है। जिस देश को अध्यक्षता मिलता है वहीं पे G20 का दफ्तर बन जाता है। G20 की सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अगर इसकी उद्देश्य यानी G20 के उद्देश्यों की बात करें तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए अपने सदस्यों के बीच नीति समन्वय करना, स्थिरता, सतत विकास को बढ़ावा देना G20 का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने और जोखिमों को कम करने के लिए वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना भी G20 के उद्देश्यों में शामिल है। एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना भी G20 का उद्देश्य है। वहीं G20 की शेरपा की बात करें तो G20 के शेरपा अमिताभ कांत होने वाले हैं। यानी भारत में जो आयोजन होगा उसके शेरपा होंगे अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। शेरपा की बात करें तो शेरपा एक खास पद है जिसका मुख्य काम होता है G20 के अध्यक्ष देश की ओर से कार्यक्रम के व्यवस्था प्रबंधन को लीड करना है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? सितंबर के पहले शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को अथवा सितंबर के चौथे शनिवार को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सितंबर के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। वर्ष 2022 में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 10 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो चोटों को रोकने तथा जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत IFRC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने वर्ष 2000 में किया था। धन्यवाद दोस्तों।